Hello students, today I will tell you about preposition. Preposition के बारे में आपने पढ़ा होगा. Second class से preposition पढ़ाई जाती है. आज मैं आपको preposition के बारे में बताऊंगी. पहले बताऊंगी what is preposition. Preposition क्या है. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. यानी प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करते हैं. यह है इसकी डेफिनेशन. जो भारी भारी शब्द हैं, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं मैं आपको अपने शब्दों में बताती हूँ. प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं, प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन बताते हैं. यानी जो शब्द नाउन और प्रोनाउन में संबंध बताएं, यानी रिलेशन बताएं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है, अब प्रीपोजिशन का मीन हम निकालेंगे तो वो खुद डेफिनेशन डिफाइन कर देगा. जैसे प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्रीपोजिशन. तो पहला शब्द है प्री. प्री का मीन होता है पहले, पोजिशन का मीन होता है जगह. यानी नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं. जैसे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, आई एम इन द रूम. अब आई एम इन द रूम, तो आई क्या है हमारा, आई है हमारा प्रोनाउन. द रूम क्या है हमारा नाउन. तो आई हो गया प्रोनाउन, द नाउन, द रूम हो गया हमारा नाउन. और इन दोनों में संबंध कौन बता रहा है, इन. और इन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन. अगर इन इस सेंटेंस में इन नहीं लगा हुआ हो तो क्या उस सेंटेंस, इस सेंटेंस का अर्थ निकल जाएगा, आई एम द रूम, मैं कमरा हूं, अर्थ बिल्कुल गलत हो गया. अगर इन लग गया है तो ये पता चला आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं. तो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन कौन बता रहा है, नाउन और प्रोनाउन में संबंध कौन बता रहा है, इन बता रहा है. तो इससे पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है. सबसे इजी है ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन बताएं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन में हमें तीन चीजें पता चलती हैं, यानी प्रीपोजिशन हमें तीन चीजें बताती है. नंबर एक डायरेक्शन, नंबर टू टाइम, नंबर थ्री प्लेस. ये सारी चीज, ये सब था आपका कि प्रीपोजिशन क्या है. इससे पता करेंगे आप, जो मैंने ये बताया आपको, ये बताया कि प्रीपोजिशन क्या है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी हैं, उनके यूसेज क्या क्या हैं. थैंक यू.